लोग धुएं और दूषित हवा से परेशान हैं और राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने पर। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर इसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है, जैसे कि गैंग ऑफ खासीपुर, हम लंग्स दे चुके सनम या चोक दे इंडिया। तो चलिए जानते हैं दूषित हवा और धुंध के कारण क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और उसके लिए आप अपने घर पर ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आप इन बीमारियों से पूरी तरह बचे रहें। सबसे पहली समस्या हो रही है सीने में जलन। दूषित हवा और धुंध के कारण इस मौसम में दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, श्वास की तकलीफें, ऐसी कई बीमारियां बढ़ जाती हैं। और उसके लिए सबसे कमाल की दवा जो आपके घर में रखी है वो है गुड़ और सौंठ। सुनने में ये बहुत छोटी सी दवाइयां लगेगी, पर इसको ऐसा वैसा मत समझे, ये बहुत काम की चीज है। आयुर्वेद में ऐसे लिखा गया है कि आपको अगर कफ की कोई भी बीमारी हो रही है, चाहे वो कफ निकल रहा हो, बलगम बन रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो उसके लिए सौंठ बहुत कमाल की दवा है। इसका ऐसा काम है कि आपके शरीर में अगर बहुत ज्यादा कफ बन रहा है तो उस सभी कफ को ये जड़ से खत्म कर देती है। इसके साथ अगर आप गुड़ का प्रयोग करें तो गुड़ के अंदर एक बहुत कमाल का केमिकल होता है जिसका नाम है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस श्वास की बीमारियों के लिए कमाल की दवा है। तो गुड़ और सौंठ की आप छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, तो दिन में 8-10 बार आप इस गोली को चूस चूस के खा सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि जितनी भी सर्दी खांसी की आपको तकलीफें हो रही हैं या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उन सभी तकलीफों से आप बचे रहेंगे। और गुड़ और सौंठ खाने से आपका पाचन भी बहुत कमाल का रहेगा। एक और इसके साथ बहुत ही कमाल की चीज है, वो है मालिश। जी हाँ, आपके घर में रखा तिल या सरसों का तेल थोड़ी सी मात्रा में आप ले लो, उसमें एक दो चुटकी आप सेंधा नमक डालिए और उस तेल को हल्का सा गर्म कर लीजिए। और इसी तेल को लेके अगर आप रोज अपने सीने पे, पेट पे और पीठ पर लगाते हैं तो आपके शरीर में जितनी भी गंदगी या कफ इकट्ठा है, इस तेल मालिश से वो पूरे का पूरा कफ या गंदगी शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो रोज स्नान से पहले अपने शरीर पे, खास करके सीने पे और पीठ पे, तिल और सरसों के तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर मालिश जरूर कीजिए। इससे श्वास के रोग आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसलिए जहरीली हवा से बचने के लिए गुड़ और सौंठ का प्रयोग अपने भोजन में जरूर करें और रोज स्नान से पहले सीने पर तिल या सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक डालकर मालिश जरूर करें। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है भाई साहब? एक और तकलीफ बहुत बढ़ गई है, वो है आंखों में जलन या आंखों की बीमारियां। धुंध और खराब हवा के कारण आंखों के रोग कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके लिए आयुर्वेद में सबसे सस्ती और कमाल की जो दवा है उसका नाम है त्रिफला। त्रिफला मतलब तीन फल, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। करना क्या है, इस त्रिफला के पाउडर को आप ले आइए, एक दो चम्मच पाउडर को रात में 2 ग्लास पानी में भिगो के आप रख दीजिए और सुबह कपड़े से छान कर उस पानी से आपको आंखों को धोना है। इससे ये फायदा होगा कि आपको आंखों की कोई भी बीमारी नहीं होगी। खास करके धुंध के कारण अगर आंख में जलन हो रही है या आंख से बहुत पानी गिरता है, आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, लाली हो गई है, आंखों में दर्द बहुत होता है, तो उन सब के लिए त्रिफला बहुत कमाल की दवा है। एक बहुत ही सस्ती और कमाल की दवा जो आप अपने घर पे जरूर रखें और अपने घर के सभी सदस्यों को बोलिए कि त्रिफला के पानी से आंख जरूर धोएं। एक और चीज आप कर सकते हैं कि दिन में 3-4 बार मुंह में पानी भर के रख लीजिए और ठंडा पानी लेके आंखों पे छींटे मारना है। इससे भी आप आंखों की कई बीमारियों से बचे रहेंगे। चलिए आगे जानते हैं और क्या समस्याएं हो रही हैं। इस प्रदूषण और धुएं के कारण आपको गले के ऊपर की बीमारियां ना हो, उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है, उसे कहते हैं नश्य। नश्य का मतलब होता है तिल, सरसों, नारियल, इनमें से कोई भी एक तेल या देसी गाय का घी ले लीजिए, उसे हल्का गर्म करके 2-2 बूंद रोज नाक में डालना है। अब नाक में कोई भी चीज डालने का नाम सुनते ही लोग छी, गंदा, ऐसा मुंह बनाने लग जाते हैं, पर मुंह बनाने से कुछ नहीं होने वाला, अपने ही नाक में डालना है, पड़ोसी के थोड़ी। गले के ऊपर होने वाला कोई भी रोग हो उसके लिए नश्य कमाल की दवा है। 5 साल की उम्र के ऊपर का कोई भी व्यक्ति ये नश्य ले सकता है। दिन में आप 3-4 बार इसका प्रयोग जरूर कीजिए। अगर 5 साल के नीचे के बच्चे हैं तो लिटिल फिंगर, छोटी से फिंगर को लेके आप उसे तेल में डुबा के उनके नाक में जरूर लगा दीजिए। एक फायदा और होगा, हवा के अंदर जो धूल और मिट्टी के कण होते हैं वो कण आपके शरीर के अंदर नहीं जाएंगे, तेल लगे होने के कारण वो यहीं पर रुक जाएंगे। इसके बाद तुलसी का पौधा, आपके घर में जितना हो सके तुलसी के पौधे को जरूर लगा कर रखिए। तुलसी के पौधे के साथ ये फायदा है कि वो बहुत छोटा होता है और आप इसे घर में कहीं भी लगा सकते हैं।
ये बहुत मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है और जितना भी प्रदूषण है ये उसे खींच लेता है। तुलसी के पौधे की जो पत्तियां हैं, 4-5 पत्तियों को लेकर अगर आप इसे पानी में उबालकर रोज पिए तो इससे जो श्वास के रोग होते हैं या कफ की बीमारियां होती हैं वो भी आपको नहीं होंगी। तो तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगा कर रखिए। एक और खास चीज, आपके घर में अगर देसी गाय का घी है तो घी का दिया आप जरूर जलाइए। घी के दिए से ये फायदा है कि घर में आपके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और ये प्रदूषण कम करने में भी बहुत मदद करता है। साथ ही साथ छोटी मोटी टिप्स है, जैसे आप कभी भी बाहर निकले तो मुंह ढक कर बाहर निकले, आंखों की बीमारी से बचने के लिए गॉगल्स और चश्मे का प्रयोग कीजिए, और आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही कमाल की दवाइयां हैं जो आपकी इम्यूनिटी पावर तो बढ़ाएंगी ही साथ ही साथ श्वास के रोग होने से भी बचाएगी। जैसे च्यवनप्राश, त्रिभुवन कीर्ति, सुदर्शन घनवटी, शीतोपलादि चूर्ण, लक्ष्मी विलास रस, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं। तो अपने नजदीकी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा के आपके लिए कौन सा टॉनिक सबसे बेस्ट है वो पता कर लीजिए और इस मौसम में उस टॉनिक का या रसायन का सेवन जरूर कीजिए। धुंध और जहरीली हवा से बचने के लिए बताई गई आयुर्वेद की ये टिप्स सिर्फ दिल्ली और उत्तर भारत के लिए नहीं, आप कहीं भी रहते हो अगर आपके यहाँ पर वायु प्रदूषण है या आपको श्वास की कोई भी बीमारियां हैं तो आयुर्वेद की इस टिप्स का पालन जरूर कीजिए, आपको निश्चित ही फायदा होगा। हमें सब्सक्राइब और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आप आयुर्वेद में और किन बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं। तो आयुर्वेद की इन टिप्स का पालन जरूर कीजिए और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।